साइबर सिटी के सेक्टर 109 में हथियारों के बल पर कार लूटने वाले दो लुटेरों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई कार भी बरामद कर ली है। एसीपी क्राइम वरुण दहिया की माने तो देर रात एक व्यक्ति ने थाना बचकेड़ा में शिकायत दी कि सेक्टर 109 के पास शोभा सोसाइटी से कुछ बदमाश हथियारों के बल पर उसकी कार को लेकर फरार हो गए। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह नजफगढ़ से बचघेड़ा आ रहा था तो रास्ते में शोभा सिटी ठेका के पास दो युवक बाइक पर सवार होकर आए तथा उसकी गाड़ी को ओवरटेक करके रुकवा लिया। उनमें से एक युवक ने गाड़ी की चाबी निकाल ली तथा पिस्टल के बल पर बेलैनो गाड़ी व नकदी लूट कर फरार हो गए। इस शिकायत पर थाना बचघेड़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। गुड़गांव के अंदर पुलिस स्टेशन बचघेड़ा के अंदर की एक वारदात है जिसमें हथियारबंद दो व्यक्ति विशेषों ने जो आरोपी हैं उन्होंने एक बलिनो चालक था एक उसके साथ ये वारदात को अंजाम दिया। घटनाक्रम का विस्तृत जो संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि 14 और 15 की इंटरवीनिंग नाइट के आसपास लगभग 10-11 बजे के आसपास इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। जो मौका वारदात की जगह थी वो एक शोभा सिटी है सेक्टर 109 पुलिस स्टेशन बचघेड़ा के अंतर्गत आता है। उस दौरान जो कंप्लेनेंट है जो पीड़ित पक्ष है वो जो पीड़ित है वो नजफगढ़ से दिल्ली नजफगढ़ से बचघेड़ा की तरफ आ रहा था। उस दौरान उस व्यक्ति को अकेला पाकर देखकर जो आरोपी है हमारे जिनका नाम है एक ईशान जो कि कंगनहेड़ा नई दिल्ली का है 18 वर्ष इसकी आयु है और एक देव है ये छावला का है नई दिल्ली का इसकी भी 18 वर्ष आयु है। इन दोनों ने उसको चालक को अकेला पाकर उसकी एक बलिनो गाड़ी के सामने अपनी बाइक अड़ाकर उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया। हथियार के बल पर इस वारदात को अंजाम दिया गया जो कंप्लेनेंट ने उस अपने कंप्लेंट के अंदर बताया। उससे 50,000 कैश छीना गया और उसकी कार भी जो बलिनो कार थी वो भी स्नैच करके ये ले गए। उसके ऊपर घटनाक्रम के ऊपर तुरंत प्रभाव से हमारी क्राइम ब्रांच पालम विहार की टीम और पुलिस स्टेशन संबंधित जो बचघेड़ा है उनकी टीमों ने अपना कार्य करना शुरू करा और कार्यकुशलता दिखाते हुए जो बचघेड़ा पुलिस स्टेशन की टीम है उनके इंस्पेक्टर अशोक द्वारा एक टीम गठित करी गई और उनकी टीम द्वारा 24 घंटे से पहले ही इस वारदात को सुलझाने में और आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी गई है और अब इनका पुलिस रिमांड हासिल करा जा रहा है और संबंधित से जो कैश छीना गया था जो व्हीकल है और जो अन्य वारदात में प्रयोग करे गए वेपन है तो संबंधित वो रिकवर करा जाएगा। देखिए दोनों ही लड़के दिल्ली के रहने वाले हैं और 18 वर्ष इनकी आयु है और ये नशे के आदि हैं। जो प्रारंभिक पूछताछ में बात पता चली है कि ये नशा करने के आदि हैं और नशे की पूर्ति के लिए इस तरीके की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया। यह भी पता चला है प्रारंभिक पूछताछ में जो ईशान उर्फ मोटा ये पहले भी किसी प्रकार की वारदात को अंजाम दे चुका है तो इनकी पृष्ठभूमि भी अभी जांची जा रही है क्योंकि इनको अभी पकड़ा गया है। पुलिस रिमांड हासिल करा जाएगा। संबंधित इनके साथ कौन कौन अन्य व्यक्ति विशेष इस तरीके की वारदात को गुड़गांव क्षेत्र में ऐसे अंजाम दे रहे हैं उसके संबंध में जानकारी हासिल करी जाएगी। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर लूटी गई कार बरामद कर ली है। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों व अन्य साथी आरोपियों के बारे में गहनता से पूछताछ करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।